एक और नए ब्लॉग के साथ इसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू होली स्पेशल ब्लॉग। ये होली के लिए आलू उबाले जा रहे धीमे, और दूसरे चूल्हे पर चढ़ चुकी है केतली जिसमें बनेगी स्पेशल पहाड़ी चाय। इस तरीके से अभी थोड़ा धुआं उठ रहा है तो इसमें एक फूंक मार देंगे या पट्टा चला देंगे तो ये थोड़ी देर का धुआं होता है। इस तरह से ये जल गई हमारी आग, और इसी आग को हमें शिफ्ट करना है अभी दूसरे चूल्हे पर। उस पर भी एक पात्र रखा हुआ है, इसी आग की एक लकड़ी हम दूसरे चूल्हे पर ले आते हैं और वहाँ पर भी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो ये इस तरह से एक चूल्हे से आग को हम दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देते हैं। उसमें भी हम और ज़्यादा लकड़ियाँ लगा देंगे। ये हमारा दूसरा चूल्हा है, इस पर हमने दूसरा पात्र रखा है। इसके ऊपर अगर हम चीड़ का फूल रख देते हैं जिसको थीटा कहते हैं, कुछ लोग बकरी भी कहते हैं, तो ये आग अग्नि एकदम से प्रज्वलित हो जाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने बगल में चीड़ ले आया हूँ और चीड़ को यहाँ पर रख दूँगा और अगल बगल इसके पत्ते डाल दूँगा। तो आज है ये होली, इस तरह से भोजन आदि बनाने का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इसके अलावा कुछ सामान शिफ्ट वगैरह करना, सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है क्योंकि ऊपर काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा बैठने की व्यवस्था चौड़ाई में जगह मिल जाए तो फालतू फर्नीचर हटाना पड़ता है। ऐसा सभी जगह पे होता है। इससे पहले हम लकड़ी अपने चूल्हे पर लगा देते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा था। दूसरा वाला मैं अग्नि प्रज्वलित कर दी, उसकी अग्नि को कंटिन्यूस बनाने रखने के लिए अतिरिक्त ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक ही बार में लकड़ी लगा देते तो हमें बार बार उठ के नहीं आना पड़ता। इस तरह से मैंने फ़ोन को स्टैंड में रख कर रिकॉर्डिंग कर दी थी। तो इस तरीके से महिलाओं की टोली हो चुकी है तैयार। मार्केट की तरफ का मैं दृश्य आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये महिलाएं हो चुकी है तैयार और रिकॉर्डिंग कर दी थी मैंने लेकिन इनफॉर्चुनेटली क्या होता है, फ़ोन का स्पेस जाता है भर, वो भी मुझे बाद में पता चलता है। रिकॉर्डिंग इसमें दिखाते रहता है, मुझे लगा कि शायद प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही होगी। इस बीच व्यस्तता भी इतनी बढ़ गई थी कि मैं फ़ोन की फाइलें मिटा भी नहीं पाया, और स्कूल का काम वगैरह भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है मार्च अप्रैल में स्कूल का काम भी जाता है। इसके अलावा स्कूल में जितने भी PDF होते हैं मैं मोबाइल फ़ोन पर ही रखता हूँ। कंप्यूटर का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, एडिटिंग भी मोबाइल से ही करता हूँ तो हैंग मारने लगता है। इसके अलावा एक्सपर्ट में जब फाइल जाती है तो डबल स्पेस ले लेती है। खैर ये तो सिलसिला चलते रहता है, कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई चीज़ हमारी ऐसी हो जाती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते अथवा हमारी अनुमानों से परे काफ़ी सारी चीज़ होती है। कई बार आपके साथ भी होता है, कोई चीज़ आप प्रॉपर बना कर रखते हैं और एट द लास्ट मोमेंट में वो चीज़ दे जाती है धोखा। फिर भी CCTV था तो इसी के वीडियोज के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी में कंप्रेस करके कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे, कुछ लोग मिलते हुए जा चुके हैं। वन बाय वन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस तरीके से हम लोग भी गए थे अपने पड़ोस में और पड़ोस के लोग भी आए, अच्छा लगा। वैसे भी मिलन का यह सिलसिला लगभग 2-3 बजे तक जारी रहता है। जिस एरिया में मैं रहता हूं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, होली मनाई गई थी 26 तारीख को मंगलवार को, जबकि अन्य हिस्सों में मैदानी हिस्सों में थी 25 तारीख को। एक दिन थोड़ा डिले था पहाड़ में, फिर भी मौसम अपेक्षाकृत ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत मेघाच्छादित है लेकिन नीला आसमान दूर से ही दिखाई देता है। बच्चों ने खूब मस्ती की, एक दूसरे को रंग लगाया और अब जा रहे हैं दूसरी जगह पे। मैं भी अनफॉर्चुनेटली गया ही हुआ था क्योंकि CCTV में तो इतनी उपस्थिति अनिवार्य होती भी नहीं है, तो रिकॉर्डिंग करते ही रहता है। तो इस तरीके से कुछ लोग आए कुछ लोग गए। वैसे भी रंग पर्व होली काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, साथ ही हमें उल्लासपूर्ण जीवन जीवने की प्रेरणा देता है। पहाड़ में इसमें सबसे बड़ी बात यह कि भोज का आयोजन किया जाता है, यही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है क्योंकि एक मनुष्य के भीतर नारायण का रूप होता है। जब आप एक मनुष्य को तृप्त करते हैं, कहने का मतलब भूखे व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को खाना खिलाते हैं तो वह सीधे नारायण को ही जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र ही बताते हैं। और हमारे पहाड़ में यह भी परंपरा है, जब होली ख़त्म हो जाती है उसके अगले दिन जो है भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को खिलाए, कुंवारी कन्याओं के पाँव धोए जाते हैं, उनको आशीष भेंट वगैरह दी जाती है, उसके अलावा सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने की मुख्य इसमें आयोजन होता है होली समारोह, जो आपस में हमें एक दूसरे के राग द्वेष बैर भुला करके
साथ में गले मिलने की परंपरा भी न सिर्फ हमारे धर्म में, हमारे इस्लामी भाई या मुसलमान भाई भी ईद के दिन गले मिलते हैं। कहने का मतलब ये भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन कई सारी कुरीतियों ने की वजह से इस त्यौहार को भी लोगों ने काफ़ी स्वरूप में बदलाव कर दिया, जिससे कि सामाजिक विद्वेष बढ़ता है। फिर भी होली अपेक्षा अच्छी ही जाती है, जो कि हमारे पहाड़ में गायन शैली पर आधारित कुमाऊनी होली होती है, जिसमें संगीत प्रधान और स्वर प्रधान होता है, जो पुरुषों के द्वारा आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा भी होती है, पुरुषों के द्वारा आयोजित की जाने वाली होली खड़ी होली कहलाते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट था, ये मैंने वॉल्यूम एकदम मैक्सिमम कर दिया था, फिर इरेज कर दिया क्योंकि मुझे आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर, कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरह से बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एज आई एम शोइंग टू यू, आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बार फिर से रंग पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी लोगों के जो मेरे से छोटी उम्र के लोग देख रहे हैं उन्हें उनके आशीष देता हूं, और जो मेरे से सयाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भी सीनियर्स लोग देख रहे हैं उनके स्वस्थ पूर्ण दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। साथ ही आप लोगों को परमेश्वर आपको खुश रखे, आपको लंबी उम्र दे, बच्चों को उनके सपने सच साबित हो। आई एम विशिंग डैट यूर्स ड्रीम विल कम ट्रू। Thank you.
डियर फ्रेंड्स, दैट्स द एंड दिस ब्लॉग। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं आप यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर स्टे। जय हिंद दोस्तों।